झांसी विधानसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए आज जिलाधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीना ने गरौठा तहसील के ग्राम कैरोखर बेहतर पुरेठा बड़ौरी गुरसराय में जाकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया एवं वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत के चुनाव में हुए बवाल को देखते हुए ग्राम कैरोखर में पैदल भ्रमण कर लोगों से शांति पूर्वक मतदान करने की अपील की। इस मौके पर उप जिलाधिकारी जितेंद्र सिंह वीर बाल पुलिस क्षेत्र अधिकारी आभा सिंह एवं चुनाव से संबंधित अधिकारियों सहित सर्किल के पुलिस फोर्स मौजूद रही। झांसी से विनोद सोनी की रिपोर्ट। बिल्कुल देखिए हमारे अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है, परंतु मेन एम है शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न करवाना। उसमें आगे भी जो कार्रवाई की जरूरत है करवाने के निर्देश दिए हैं और इसका सतत अनुसरण भी किया जाता है। डेली बेसिस पे हम लोग वर्ड स्प्रेड शीट के माध्यम से पर डे क्या कार्रवाई हुई, CRPC 1700 गया गुंडा गैंगस्टर या अन्य तरह के जो प्रिवेंटिव एक्शन है उसकी समीक्षा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी की जाती है। तो हमें आशा है कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होना चाहिए। आज तो कई सारे गांव का हमने बताया, मैं इतने कैटेगरी में समस्त किया, पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा। कोई अन्य समस्या हो विधानसभा क्षेत्र की या तहसील की, साहब और अन्य अधिकारियों ने क्षेत्र में भ्रमण किया है, इसमें जितने वनरेबल क्रिटिकल बूथ हैं वो देखे गए हैं, CPM पे रुकने के स्थान देखे गए हैं, बॉर्डर चेक पोस्ट चेक करी गई है, साथ ही साथ जो हिस्ट्री सीटर उनके यहाँ चेकिंग फ्रिस्किंग की गई है, उनके घर फोर्स गई है, वनरेबल जो फैक्टर है उनको भी ब्रीफ किया गया है, साथ ही साथ वनरेबल पर्सन्स को भी विश्वास में लिया गया है। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए ये सुनिश्चित किया गया है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं वो शांतिपूर्वक संपन्न हो, साथ ही साथ चेकिंग फ्रिस्किंग के विषय में बताया गया है। अपने सभी ऑफिसर्स को ब्रीफ किया गया है कि वो अच्छे से जो चुनाव की तैयारी है उसे अभी से शुरू कर दें। शुरू करने के साथ साथ जितने भी इस तरह के असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो करें ताकि आगामी चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। ठीक, थैंक यू सर।